हेलो एवरीवन दिस इज सुरभि वेलकम टू स्टडी हैक्स कैसे हो सब आई होप आप लोग सब ठीक है अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में तो ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक के रिकॉर्डिंग तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिक्स जनवरी का क्लियर तो बात यहाँ पे की जा रही है सबसे पहले वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑरफन्स वॉर ऑर्फनस यानी पास्ट में जो वर्ल्ड वॉर हुई हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई हैं ठीक है और भी आते आते बहुत सारी ऐसी लड़ाई हुई हैं यानी कि अलग अलग रीज़न में ठीक है जिनोसाइड की जो बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली अलग अलग रीजंस में ठीक है उसके दौरान क्या हुआ कई सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए क्लियर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो वो अनाथ हुए तो उसी से रिगार्डिंग जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम ड्यूरेशन क्या था याद है आपको बहुत बार डिस्कस किया है ठीक है अगर याद नहीं है तो फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो टाइम ड्यूरेशन था वो था नाइनटीन से नाइनटीन तक ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन रहा वो रहा 1939 से 1945 तक ठीक है 1939 से 1945 तक क्लियर है तो याद रखिएगा उसके बाद बहुत सारे रीजन में जोनोसाइड के जो केसेस देखने को मिले बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हुई जिसके कारण जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए अगर कोविड 19 की भी बात करें ठीक है उसके दौरान भी कई सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हुए ठीक है तो हमने कैसे अवेयरनेस फैलानी है कि बच्चों को जो है कैसे प्रोटेक्ट करना है जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं कई सारे कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान गवा चुके हैं उन बच्चों को हमने हम लोगों ने सहारा देना है ठीक है जैसे अलग अलग एन काफ़ी ज़्यादा निकल के आई हैं जिनके द्वारा बच्चों को अपने एन में शरण दी गई है उनको प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जा रही है ठीक है बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो भी बच्चों को दी जा रही है ठीक है तो ये सारी चीज़ें ओके तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसमें बच्चे जो हैं ऑर्फन्स हुए ठीक है तो मोस्ट डिसएडवानटेजेज़ एंड वनरेबल ग्रुप ग्रुप्स जो हैं आज के टाइम में ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रेजेंट हैं बच्चों का कई सारे बच्चे जो है इंजर्ड हुए ठीक है तो सेपरेट फ्रॉम देयर फैमिलीज़ इनक्वायर पर्टिकुलर केयर यानी कि जो बच्चे अपनी फैमिलीज़ को गवा चुके हैं उन उनके लिए एक पर्टिकुलर केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वर्ल्ड डे वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फनस जो है ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया ये एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था एस ओ एस एनफेंस्टन्स डेटरीज ठीक है तो इस इनके द्वारा ये ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डे जो है ये पर्टिकुलर स्टार्ट करने की यहाँ पर बात की गई थी जो आज के टाइम में हम एवरी ईयर सिक्स जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स जो हैं ये सेलिब्रेट करते हैं ठीक है थीके? तो ये इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है और यहाँ पे भी एक चीज़ लिखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है इम्पॉर्टेंट भी है ठीक है अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ भी है कि पोइट्री इज एन ऑर्फन ऑफ साइलेंस दर्ड्स नेवर क्वाइट इक्वल टू एक्सपीरियंस बिहाइंड देम यानी कि जो ये आज के टाइम में ऐसे बच्चे जो फेस कर रहे हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं इनका दर्द यही जान सकते हैं ठीक है बट हम लोगों को जाने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही साथ इनको क्या क्या ज़रूरत है इनकी केयर करनी इनको इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है ये हम लोगों की क्या है ड्यूटी है ठीक है तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी ओके नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है कोविड नाइन्टीन का एक नया वेरिएंट निकल के आया है जिसका नाम रख नाम है आई एच यू वेरियंट ठीक है और इसका नाम दिया गया है साथ ही साथ बी वन सिक्स फोर जीरो अब वेरियंट क्या होता है वेरियंट ऑफ कंसर्न क्या है ठीक है इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में पहले भी आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ आज भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं आई एच यू की फुलफॉर्म क्या है इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटीज़ ठीक है तो ये इसकी एच आई यू की क्या है फुल फॉर्म है तो अभी हाल ही में देखने को मिला कि एक न्यू वेरिएंट जो है वो डिस्कवर किया गया है आई एच यू का कहाँ पे फ्रांस वाले रीज़न में ठीक है तो इसका जो ये जो वेरिएंट अभी इमर्ज हुआ है इसके कारण ऑल ओवर दी वर्ल्ड में ठीक है लोगों में एक डर पैदा हो गया क्योंकि ओमिक्रॉन वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड ठीक है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकल के आया पर्टिकुलर साउथ अफ्रीका से ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है जो अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके बारे में भी हम जानेंगे ठीक है तो डिस्कवरी जो की गई थी इसकी आईएचयू की ये मेडिट्रीन इन्फेक्शन जो है ठीक है रिसर्चर के द्वारा मेडिट्रीन इन्फेक्शन से ये चीज़ें निकल के आए इन मार्सेलिस ठीक है फ्रांस में एक पर्टिकुलर रीज़न है मार्सेलिस वहाँ से ये जो है रिसर्च के द्वारा ये पता लगाया गया पार्ट ऑफ द फ्रांस इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ ठीक है जिसको आई बोला गया ठीक है इसका नेम जो है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट इसके बारे में भी हम सेम ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट नोन केस जो इसका आई वेरिएंट का निकल के आया ये मिड नवंबर 2021 में निकल के आया फ्रांस फ्रांस से एक जो मैन थे वो कहाँ गए थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गए थे आपको पता ही है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ओमिक्रोन बहुत ज़्यादा ह्यूज स्तर पर फैल रहा था ठीक है उसकी वजह से जो एक पर्टिकुलर पर्सन थे फ्रांस से अफ्रीका से फिर फ्रांस में गए तो वहाँ पे ही ये सारी चीज़ें जो है रिकॉग्नाइज की गई ठीक है अगर बात करें इस वेरिएंट के बारे में आई के बारे में तो सब लाइनेज ऑफ द बी वन सिक्स फोर जीरो जो है इसका नाम रखा गया है और इसको क्लासीफाई किया गया है एज अ बी ठीक है वेरिएंट जो है इसके फोर्टी सिक्स म्यूटेशन है म्यूटेशन का मतलब क्या रहता है ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे ठीक है पर्टिकुलर पहले स्टार्टिंग में क्या था कोरोना वायरस था ठीक है म्यूटेशन का मतलब क्या रहता है पर्टिकुलर वायरस के आरएनए में चेंजेस होना ठीक है यहाँ पे म्यूटेशन आया वेरिएंट आया ठीक है फिर से आरएनए में चेंज हुआ फिर एक न्यू स्ट्रेन निकल के आया पर्टिकुलर जो आरएनए है ठीक है आरएनए के चेंज के कारण वायरस के बिहेवियर में भी चेंज होता है ठीक है अभी भी ये जो आई एच यू जो अभी निकल के आया है वायरस ठीक है तो इसके फोर्टी सिक्स म्यूटेशन जो हैं वो निकल के आए हैं थर्टी सेवन डेलीशन हैं इन जेनेटिक कोड ठीक है और ये ओमिक्रोन के जो आयरन में चेंजेस आए थे म्यूटेशन में चेंजेस आए थे उससे कई ज़्यादा कई ज़्यादा बढ़ के है ठीक है तो मैनी ऑफ दीज अफेक्ट जो है स्पाइक जो रहते हैं प्रोटीन के वो क्या हो रहे हैं ऐसे उभर रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो स्पाइक्स रहते हैं यहाँ पे भी आप देखिए ठीक है ये जो स्पाइक्स रहते हैं ये प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं एक पर्टिकुलर वायरस में ठीक है उसके अलावा अगर बात करें कि स्प्रेडिंग रेट क्या है इसका अगर आज तक देखें तो ओनली अ डज़न केसेस ही देखने को मिले हैं आई एच यू के जो रिपोर्ट किए गए हैं फ्रांस में ठीक है नो अदर कंट्री यानी कि और कोई भी कंट्री में ऐसा केस नहीं आया है बट ये हम लोगों के लिए एक डरने वाली बात तो है ही है कि हमें अब सतर्क रहना चाहिए हमें खुद को प्रोटेक्ट करना अपनी फ़ैमिली को प्रोटेक्ट करना है और जिसने डोजेज़ नहीं लिए हैं प्लीज़ वो डोजेज़ ले लें अपने ठीक है ये ओमिक्रोन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है आई ठीक है अगर इंडिया में आ गया तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन जो है वो ख़राब हो सकती है इससे पहले हम इसको क्या कर लें प्रिजर्व कर लें ठीक है प्रिवेंट कर लें ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोगों को ही देखनी है ओके तो अलार्मिंग कंडीशन है ये क्योंकि ओमिक्रॉन वैसे ही फैल रहा है हमारी कंट्री में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी ठीक है कंसर्न क्या है जो रेज हो रहा है कि बी एच सिक्स फोर जीरो जो है इस नॉट स्प्रेंडिंग एट अ रेट ऑफ अनविंग ठीक है उसके अलावा बात करें कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ठीक है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफिक जेनेटिक मेकर रहता है कि जेनेटिक में जो चेंजेस आते हैं उसके वायरस के ठीक है तो इसमें रिड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज़ uh, के द्वारा ठीक है जनरेट होता है अगेंस्ट प्रीवियस जो इन्फेक्शन रहता है ठीक है और वैक्सीनेशन जो दी जाती है रिड्यूस होती है एफिशिएंसी ट्रीटमेंट ओके और पोटेंशियल डायग्नोस्टिक इंपैक्ट जो है वो कम पड़ता है ठीक है प्रिडिक्टिंग होता है इनक्रीज़ होता है ट्रांसमेबिलिटी और डिजीज़ सीवियरिटी ठीक है तो करंटली टू जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जो डब्ल्यू के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं म्यू ठीक है जिसको बी वन सिक्स टू वन बोला गया है ये इमर्ज कहाँ पे हुआ था कोलंबिया में हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में लैमडा C35 इसको बोला गया है ये इमर्ज हुआ पेरू में ठीक है 2020 में क्लियर यहाँ पे आप देख सकते हैं WHO के द्वारा अलग अलग जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं अलग अलग नाम दिए गए हैं जो पर्टिकुलर एरिया में जो निकल के है, जैसे अल्फ़ा जो है ठीक है यूके में ये देखने को मिला बीटा साउथ अफ्रीका गामा ब्राज़ील ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और डेल्टा जो है ये इंडिया में पाया गया ठीक है तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें ठीक इस है इसमें मल्टीपल क्लस्टर रहते हैं डिटेक्ट होता है जो मल्टीपल कंट्रीज़ में ठीक है यानी कि मल्टीपल कंट्रीज़ में जो है डिटेक्ट होता है वायरस उसको वेरियंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखते हैं जैसे एलिप्सन जो है यू में जीटा ब्राज़ील में ईटा कहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ में थीटा जो है फिलीपींस में आईओटा यूएसए में और कप्पा जो है इंडिया में और अगर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कप्पा वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात करें तो डेल्टा ये हमारी कंट्री का ठीक है थीके? तो याद रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा ठीक है तो ये जो आई एच यू जो वेरियंट है तो ये फ्रांस से निकल के आया है ठीक है तो याद रखिएगा इसको यहाँ पे पाई जाती है कंट्री ओके नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट की तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इनोग्रेट किया गया न्यू जो टर्मिनल इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग है ऑफ महाराजा भीम महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट की ठीक है तो न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी और ये लॉन्च की इनिशिएटिव है जैसे मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना के अंडर ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्ट मिशन हंडर्ड जो है स्पेशली त्रिपुरा के लिए विद्या ज्योति स्कूल्स के लिए प्रोजेक्ट हंडर्ड मिशन जो है ये स्टार्ट किया गया पर्टिकुलर त्रिपुरा रीज़न में ठीक है तो त्रिपुरा की अगर बात करें पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं त्रिपुरा जो है ये नॉर्थ ईस्ट राज्य है यानी कि त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है ठीक है इसको मिज़ोरम हमारी कंट्री की स्टेट बाउंड्री टच करती है और असम ओनली टू स्टेट बाउंड्रीज़ है जो टच करती है त्रिपुरा को और इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश इसको टच करती है याद रखिएगा ठीक है, है तो पर्टिकुलर इस रीज़न की बात हो रही है त्रिपुरा की नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है इनोग्रेशन जो किया गया है न्यू टर्मिनल का और ये फर्स्ट स्टेप है एयरपोर्ट ऑपरेशनल के लिए क्यों है क्योंकि इसको एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पहले एयरपोर्ट ऑपरेशनल एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की यहाँ पे बात की गई है ठीक है स्टेट्स प्रोक्सीमिटी एंड बांग्लादेश एंड एक्सेसिबिलिटी टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हम साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज जैसे आशियान कंट्रीज़ हैं ठीक है, है? आशियान कंट्रीज़ के साथ हम त्रिपुरा जो इंटरने नेशनल एयरपोर्ट है वैसे हम क्या कर सकें अपना जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा सकें ठीक है जो अलग अलग कंट्रीज़ है आशियान की उनके साथ अपना ट्रेडिंग जो व्यापार रिलेटेड जो रिलेशन है वो हम बढ़ा सकें ठीक है तो लोकल जो त्रिपुरा की ट्राइबल्स हैं उनके जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं उनन कोटी हील्स हिल्स के एंड लोकल जो बैम्बू हैंडीक्राफ्ट हैं उनको हम क्या कर सकें नेशनल और इंटरनेशनल ले, लेवल पे रिकॉग्नाइज कर सके ठीक है जैसे महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट जो है ओरिजिनली बिल्ट किसके द्वारा किया गया था यू एयरफोर्स के द्वारा किया गया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन रहा और कोलेबोरेशन किसका रहा इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो किंग थे वीर बिक्रम किशोर मनिक्या ठीक है जो प्रिंसली स्टेट थी क्योंकि त्रिपुरा जो थी ये पुरानी प्रिंसली स्टेट थी यानी कि राजा रजवाड़े यहाँ पे राज करते थे ठीक है तो यूएस एयरफोर्स के साथ मिलके और प्रिंसली स्टेट जो थी त्रिपुरा के साथ मिलके ये एयरपोर्ट जो था ये बनवाया गया ठीक है फॉर्मली इस एयरपोर्ट का नाम क्या था अगरतला एयरपोर्ट था बट इसको 2018 में रीनेम किया गया एज अ महा महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट अगरतला ठीक है अगर बीर बिक्रम किशोर दबरमन ठीक है इनके बारे में बात करें जो महाराजा थे तो महाराजा कर्नल बीर बिक्रम किशोर मनिक् डबरमन ठीक है तो ये द बर्मन बहादुर 1908 से 1947 तक इनका जो लाइफ टाइम जो पीरियड रहा और ये मनक्या डायनेस्टी डैन, से बिलोंग करते थे ठीक है त्रिपुराज प्वाइनर किंग थे ये ठीक है तो वाइडली रिकॉर्डेड थे एज ए त्रिपुराज प्वाइनर किंग इनको सिक्सीड किया गया हिज़ फ़ादर यानी कि इन इन्होंने अपने फ़ादर को सक्सीड किया और इनको इनके सर ने सक्सीड किया ठीक है तो इनके द्वारा राजगद्दी पर बैठा गया नाइनटीन में फिर बाद में इनके सन के द्वारा इनको सक्सीड किया गया यानी कि इनका फिर बेटा बैठा ठीक है तो महाराजा कीरत बिक्रम जो किशोर थे वो बैठे ठीक है हु वॉज द किंग फॉर टू ईट्स क्योंकि ये ओनली इनका जो बेटा था जो राजगद्दी पे बैठा ओनली टू ईयर्स के लिए बैठा क्योंकि फिर 1949 में क्या हुआ स्टेट असैशन हो गया क्योंकि हमारा स्टे, आ, हमारी इंडिया जो थी वो आजाद हो गई ठीक है तो प्रिंसली स्टेट्स भी जो थी हमारी कंट्री की वो भी हमारी जो है यूनाइट होनी स्टार्ट होगी तो इसलिए दो साल के लिए ही जो इनका बेटा था वो राजगद्दी पे बैठा ठीक है तो ये आप आप लोगों के माइंड क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ बट हु डिड नॉट रूल क्योंकि वो माइनर था वो रूल नहीं कर पाया इतना ठीक है क्योंकि वो माइनर की कैटेगरी में था तो किंग ऑफ त्रिपुरा स्टेट इल 1947 तक रहा तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया स्पेशली इनके द्वारा त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए और इनको फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर भी बोला जाता है त्रिपुरा में ठीक है तो कई सारे लैंड रिफॉर्म्स इनके द्वारा लाए गए 1939 में इनके द्वारा रिजर्व लैंड जो लोकल त्रि त्रिपुरा ट्राइब्स थी ठीक है उनके लिए लाया गया और साथ ही साथ स्टेप भी कई सारे उठाए गए स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल क्रिएशन ऑफ द त्रिपुरा ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई यहाँ पर और फर्स्ट एयरपोर्ट त्रिपुरा में बनाया गया जिसका नाम है अगरतला एयरपोर्ट जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग जरूर पूछिएगा ठीक है त्रिपुरा की लोकेशन क्या है कहाँ पर है कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री उंड टच करती है और कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है ये आप लोगों को याद रखनी है ठीक है तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है सूडान क्राइसिस की इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सूडान क्राइसिस जो है ये काफी ज्यादा अभी इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे इस क्रिटिसाइज किया जा रहा है ठीक है अभी अगर बात करें तो सूडान की लोकेशन आपके सामने है ठीक है सूडान जो है उसकी कैपिटल खारतून है ठीक है साउथ सूडान इसका पार्ट पहले ये इसी इसी का ही पार्ट था सूडान का ठीक है साउथ सूडान 2011 में इसको अलग किया गया सूडान से ठीक है 2011 में क्लियर इडिटेरिया इथोपिया कीनिया युगांडा ठीक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ठीक है सी ए सी ए और इजिप्ट ये कंट्रीज़ इसको टच करती हैं और यहाँ पर क्या है रेड सी और ये है गल्फ ऑफ एडन तो याद रखिएगा इधर है इंडियन ओशियन ओके यहाँ पे अभी क्राइसिस क्यों देखने को मिला क्योंकि हाल ही में ही सूडान के जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हैमडॉक थे उनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है कंट्री के पीएम के पद से ठीक है तो ऑलरेडी बैटर्ड बै 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 बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा सूडान में देखने को मिल रही है एंटी मिलिट्री प्रोटेस्ट हो रहा है वायलेंस काफ़ी ज़्यादा यूज स्तर पर हो रहा है ठीक है इन फर्दर चाउस ओके क्राइसिस जो है सूडान में ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हिसाब से क्या हो गया मिलिट्री रूल हो गया ठीक है जैसे म्यांमार में देखने को मिला आंग संग सुई जो थी पहले वो लीडर थी म्यांमार की उनको जेल में डाल दिया गया ठीक है जो मिलिट्री जो रूलर थे ठीक है तो अभी जो है म्यांमार में क्या है मिलिट्री रूल है पर्टिकुलर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है तो मिस्टर हैमडॉग जो है इनके द्वारा भी रेजिग्नेशन दे दिया गया है तो ये जो क्राइसिस है वो काफ़ी समय से भी चल रहा है ठीक है तो स्टेप डाउन एज अ एंटी मिलिट्री प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू रहा टू रॉक द कंट्री सूडान जो है फैमिलियर एज अ डेड लॉक यहाँ पे हुआ क्लियर तो सब्जेक्ट टू है वीम्स ब्रूटल मिलिट्री रेगमी आफ्टर अ कूप ओके तो देयर रूल जो है ऐसा माना जा रहा था यहाँ पे कि पट आर्मी के द्वारा पर्टिकुलर एक व्यक्ति को बिठा दिया गया है ठीक है कि वो रूल कर रहा है बस नाम का ही प्राइम मिनिस्टर है बट उसको कंट्रोल कौन कर रहा है आर्मी वाले कर रहे हैं ठीक है तो ऐसी चीज़ें तो उसको कैप्टोक्रेसी के नाम से जाना जाता है कैप्टोक्रेसी क्या होती है वो वैसी गवर्नमेंट जो करप्ट लीडर को चूज़ करती है ठीक है यूज़ पोलिटिकल पावर को यूज़ करने के लिए ठीक है नेशन के वेल्थ को यूज़ करने के लिए तो उसको बोलते हैं कैप्टोक्रेसी ठीक है तो वर्ड याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर करंट क्राइसिस की बात करें तो तो जो अभी करंट क्राइसिस है जनरल उमार अल बशीर ठीक है जनरल उमार अल बशीर जो है सूडान में उनके द्वारा सारी चीज़ें अपने अंडर कंट्रोल में ले ली गई हैं तो काफ़ी सारा जिनोसाइड जो है वो सूडान में देखने को मिला ठीक है पॉपुलर जो रेवोल्यूशन हुआ स्पेशली 2019 से ये चीज़ें चली आ रही है प्रोटेस्ट ठीक है तो सूडान में सॉब्रेनिटी काउंसिल जो है 11 मेंबर बॉडी की कंप्राइज की गई थी मिलिट्री के द्वारा सिविलियन लीडर्स के द्वारा मिलके तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है मिलिट्री लेट ट्रांजिशन काउंसिल जो अपॉइंट uh, किया गया था जिसको मिस्टर हैमडॉक के द्वारा एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो हेमडॉक um, के द्वारा यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट ये भी हम लोगों के लिए इसकी लोकेशन सूडान की ठीक है तो पर्टिकुलर कहाँ पे देखने को मिला ये डाफुर वाले रीज़न में ठीक है सूडान का डाफुर वाला रीज़न जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ ठीक है तो इंपॉर्टेंट है डाफुर वाला रीज़न आप लोगों को याद रखना है ठीक है सूडान के वेस्ट में ठीक है वेस्ट वेस्ट में ये रीज़न है डाफुर ओके तो अगर कोई पूछ ले कि डाफुर रीजन कहाँ पर है सूडान में है सूडान के वेस्ट में है सूडान की कैपिटल जो है ये भी आप लोगों को याद रखनी है खातून है नीचे साउथ सूडान है ठीक है और ये क्या है होन ऑफ अफ्रीका होन ऑफ अफ्रीका होन ऑफ अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम

यहाँ पे देखिएगा ठीक है इम्पोर्टेंट ये एक रिवर है जिसका नाम है नाइल रिवर ठीक है तो नाइल रिवर काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है तो नाइल रिवर टू टाइप्स में डिवाइडेड है एक तो ब्लैक नाइल सॉरी एक तो ब्लू नाइल दूसरी है वाइट नाइल ठीक है तो जो वाइट नाइल है वो कहाँ से निकल के आती है लेक विक्टोरिया से ये कहाँ पे है तंज़ानिया में ठीक है तंज़ानिया कीनिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ठीक है यहाँ पे है ठीक है पर यहाँ पे रोंडा ब्रुनोई यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लेक विक्टोरिया जो है यहाँ से क्या निकल के आती है वाइट नाइल निकल के आती है रिवर अगर ब्लू नाइल की बात करें तो लेक टना से निकल के आती है जो इथोपिया में है तो ये दोनों कहाँ पर मीट करती हैं खारतुम वाले रीजन में मीट करती है फिर आगे जाके कहाँ पर गिरती है ये डिस्चार्ज कहाँ पर होती है ये मेडिटेरियन सी में होती है ठीक है तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा और भी जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ यहाँ पर डैम जो है वो बिल्ट किया जा रहा है स्पेशली ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल वाले व्हाइट नाइल रिवर है उसके ऊपर ठीक है काफी सारे प्रोटेस्ट भी इसके रिकॉर्डिंग देखने को मिला इस रीजन में ठीक है तो ग्रैंड इथोपियन रिसाइनन्स डैम जो है ये इथोपिया वाले रीज़न में देखने को मिला है और ये ब्लू नाइल के ऊपर है डैम ठीक है और साथ ही साथ रोजेरीज़ डैम जो है यहाँ पे ये भी ब्लू नाइल पे है आसमान हाई डैम ये कहाँ पे इजिप्ट में बनाया जा रहा है और ये कौन सी रिवर पे है नाइल रिवर पे ठीक है क्योंकि यहाँ पे आके के खारतून में ही मिल जाती है और ये डैम कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है डैशमोंट टूटू डैश डैश मौ, टूटू -टू कौन थे तो ये एक नोबल पीस प्राइज़ विनर थे हाल ही में इनकी डेथ हुई है अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्यों है क्योंकि एक तो इनको नोबल पीस प्राइज मिल चुका है दूसरा एक ऐसा इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है पॉइंट है ये एक्वा मेशन क्या होता है इनकी बॉडी जो है ना उसको अंडरवेंट एक्वामेशन रखा गया यानी कि ग्रीन अल्टरनेटिव ट्रेडिशन क्रीमेशन मेथड, जो दाह संस्कार रहता है ना उसको एक ऐसी मशीन में इसको रखा जाता है ठीक है इसको क्या बोलते हैं एक्वामेशन ठीक है तो एक्वाशन याद रखिएगा ठीक है ऐसी मशीन में बॉडी को रखा जाता है और इको फ्रेंडली दाह संस्कार होता है ठीक है ऐसी मशीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा ठीक है तो याद रखिएगा ये एक्वामेशन जो है किससे रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट है ये टर्म पूछी जा सकती है ठीक है तो एक पैशनेट प्रोटेक्टिंग यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा काम करते थे ये ठीक है इनके द्वारा कई ऐसे जरूरी स्टेप्स भी लिए गए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसलिए इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला क्लियर तो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए इनके द्वारा बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए क्लियर तो एकोमेशन इनका किया गया ठीक है ताँ, फाइव फाइव टाइम लेसर देन फायर यानी कि जैसे अग्नि में जलाते हैं ना बॉडी को ठीक है उससे पाँच गुना कम यहाँ पे अग्नि जो है वो देखने को मिले यानी कि इको फ्रेंडली रहता है ठीक है तो रिड्यूस करता है ये थर्टी अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज और अमिट ड्यूरिंग द क्रीमेशन ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी मशीन रहती है जिसमें बॉडी को डाल दिया जाता है और यहाँ पे इस इनका दाह संस्कार हो जाता है ठीक है ऐसी मशीन रहती है ओके तो अगर बात करें एक्विमेशन के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया ये प्रोसेस क्या रहता है डिकीजिज़ दिक, जो रहती है बॉडी यानी कि बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है ठीक है ई मस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटे ही लगते हैं इसको बॉडी को क्या करने होने में जो जलती है बॉडी ठीक है तो इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्ट्रॉन्ग अल्कलाई एंड प्रेशराइज मेटल लेंडर एंड हीटेड टू अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है जो मिक्सचर ऑफ वाटर रहता है यानी कि हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर पाया जाता है ठीक है तो ये ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखिएगा बॉडी है नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर है फाइव परसेंट अल्कलाइन रहता है बेसिक जो केमिकल्स रहते हैं जैसे ईथर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसको एन बोलते हैं और अ कॉम्बो ओके तो इसको क्या किया जाता है हाइड्रोक्साइड ब्रेक्स जो होते हैं बॉन्ड्स बिटवीन केमिकल इन दी बॉडी और प्रोसेस जो रहता है हाइड्रोलाइसिस का कन्वर्ट होता है बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हीट यूज़ होती है स्पीड अप ऑफ प्रोसेस ओके स्ट्रीलाइट एफिलेंट जो रहते है हैं जैसे पे, वाटर सॉल्ट शुगर अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स और साथ ही साथ बोन जो फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट मिला होता है ठीक है तो 95 फाइव परसेंट हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है वाटर पाया जाता है ठीक है तो फाइव परसेंट अदर जो अल्कलाइन बेसिक है ओके तो साथ ही साथ जो कॉम्बिनेशन रहता है जेंटल वाटर फ्लो का टेम्परेचर अल्कलाइनिटी जो मैंने अब अभी आपको बता दिया ब्रेक डाउन हो जाती है एज अ ऑर्गेनिक मटीरियल ठीक है और जो बोन फ्रेगमेंट होते हैं न्यूट्रल जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं हम एल एफ्ल्यूएंट बोलते हैं ठीक है एल्फ्यूंट जो है सेटेराइल एंड कंटेन क्या होता है इसमें सॉल्ट शुगर अमीनो एसिड अमीनो एसिड एंड पैप्टाइड्स होते हैं ठीक है उसी के साथ साथ देर इज़ नो टिश्यू नो डी एन ए यानी कि जैसे कोई भी डीएनए नहीं बचता कोई भी टिश्यू नहीं बचता अगर ये प्रोसेस जो है एक्यूमेशन का प्रोसेस जो है जो जो दोहराया जाता है ठीक है जो इसके इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद कोई भी टिश्यू बॉडी में और कोई भी डीएनए जो है वो नहीं बचता है ठीक है उसके अलावा अगर बैकग्राउंड की बात करें एमोस जो है यानी कि ये प्रोसेस जो है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया और पेटेंट जो किसके द्वारा लिया गया 1988 1888 में लिया गया बाय अमोस हैबर्ट के द्वारा ठीक है और ये फार्मर थे इनके द्वारा ट्राई किया गया इग्निनियस जो है डेवलप किया गया स्पेशली जो फर्टिलाइज़र के लिए एनिमल के शवों को जलाया गया इस प्रोसेस के थ्रू तो फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम जो है इसका यूज़ किया गया इंस्टॉल किया गया एट एल्बनी मेडिकल कॉलेज में 1993 में ठीक है तो ये प्रोसेस जो है उसके बाद कंटिन्यू हुआ अलग अलग हॉस्पिटल्स में यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि कई सारी ऐसी बॉडीज़ थी जो डोनेट कर दी जाती थी लोगों के द्वारा तो उसको क्या किया जाता था इसी प्रोसेस के द्वारा क्या किया गया इसी प्रोसेस के द्वारा बॉडीज़ को जो है क्रीमेट किया गया ठीक है ये प्रोसेस जो था रेफर करता है टू एज अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस एज अ क्रीमेशन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये ठीक है फेमलेस क्रीमेशन इसको बोला जाता है ठीक है प्रोसेस जो है इसको वाटर क्रीमेशन एंड ग्रीन क्रीमेशन फॉर केमिकल क्रीमेशन भी बोला जाता है ठीक है तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अगर बात करें इनके बारे में डेस टूटू के बारे में ये वन ऑफ दिस साउथ अफ्रीकाज मोस्ट वेल नोन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे ठीक है इनके द्वारा 1984 में नोबल प्रीस पीस प्राइज जो है वो जीता गया ठीक है अपार के लिए इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी गई यानी कि रंग भेद की नीति के लिए जैसे नैनसन मंडेला जी के द्वारा और महात्मा गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में अपार्थर्ड मूवमेंट चलाया गया ठीक है यानी कि काले गोरे का भेद जो था उसको हटाने की यहाँ पे कोशिश की गई ठीक है तो इनकी जो वॉइसलेस फॉर ब्लैक साउथ अफ्रीकन उसके द्वारा आवाज़ उठाई गई ठीक है इस मुद्दे के ऊपर अपारथर्ड मूवमेंट जो चलाया गया वैसे ही जैसे नैन्सन मंडेला जी के द्वारा चलाया गया था ठीक है चेयरमैन ये रहे डैशबू टू टूटू ठीक है डेमोक्रेटिक एंड जस सोसाइटी विदाउट रेशियल डिविज़न और साथ ही साथ कुछ इनके द्वारा पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया जैसे इक्वल सिविल राइट्स होने चाहिए सबके लिए अबोलिशन करना है पासपोर्ट जो अफ्रीका पासपोर्ट लॉ है कॉमन सिस्टम होना चाहिए स्पेशली पढ़ाई के लिए सेशन ऑफ फोर्स डिपोटेशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका सो फोल्ड होम लैंड ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा यानि कि ओडिशा की ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित की गई है उस डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंजम डिस्ट्रिक्ट तो चाइल्ड मैरिज फ्री 2022 ठीक है गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है याद रखिएगा ये उड़ीसा की है ठीक है उड़ीसा गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है डिक्लेयर की गई है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट स्टेट बनी है हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 450 चाइल्ड मैरिजिज़ वीडियो रिकॉर्डेड फो फोर्टी वीडियो रिकॉर्डेड जो मैरिजिज की रिकॉर्डेड वीडियोस रहती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को देखते हुए डाटा एनालाइज करते हुए तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई पास टू ईयर से ठीक है तो अभी जो है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है गंजम डिस्ट्रिक्ट को जो उड़ीसा की है ठीक है तो वेरीफिकेशन के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली सरपंच एंड अदर जो टास्क फोर्स कमेटी मेंबर्स हैं उनके द्वारा रिकमेंडेशन सेंड की गई कि अभी कोई भी चाइल्ड मैरिज जो है इस रीजन में नहीं हो रही है ठीक है रिस्पेक्टेड एरियाज़ में तो अभी इसी के रिकॉर्डिंग जो है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है घोषित गोशी, घोषित कर दी गई गंजम डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं ठीक है अगर डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर आपको पी मिल जाएगी इस लेक्चर की इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो जय हिंद